हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 20th of July 2020। तो गाइस आज है 20 जुलाई 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और सिर्फ 10 से 12 मिनट में हम पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मैं न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू दूंगा, आपको पता चलने वाला है व्हाट इज गोइंग ऑन द एंटायर न्यूज़पेपर, कि क्या चल रहा है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और बैकग्राउंड एनालिसिस बैकग्राउंड नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर आप देखोगे, क्लिक करोगे तो नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों को इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड आज करंट अफेयर है, तो उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, बैकग्राउंड एनालिसिस, सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर दोनों एनालिसिस होते हैं, दो टाइप के। एक तो हमारा डिटेल होता है, जो कि हम लोगों को यहां पर कितने में 25 to 30 मिनट्स में इसको कवर करते हैं, और जो दूसरा एनालिसिस होता है वो 10 से 15 मिनट में पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। जिसके पास न्यूज़पेपर है, सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा ये वाला आर्टिकल। इसमें हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, काजीरंगा के बारे में जानना है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ये असम में सिचुएटेड है, ठीक है। ये जो यहाँ पर असम में फ्लड वगैरह आई है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आप राइनो देख सकते हो, ये 30 साल का राइनो है, जिसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं इन रिगार्ड्स विद द फ्लड की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में है ये, तो काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम आया है, तो आप इसको याद रखना है, आसाम में सिचुएटेड है। नाउ आगे चलते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी जो न्यूज होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज कुछ खास न्यूज है नहीं, इस वजह से डिस्कशन जो है यहाँ पर बाकी पेपर्स का रहेगा नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पेज नंबर 6 एडिटोरियल, और उसमें देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको अगर आर्टिकल्स बता दूं, तो ये वाला आर्टिकल है सबसे पहले हमारा, ये वाला आर्टिकल फर्स्ट वाला आर्टिकल है, ये वीजा से रिलेटेड है, जो यूएस में वीजा को लेकर बात हो रही है, न्यू वीजा लाए गए हैं, बैन वगैरह कर दिया गया है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसको लेकर, तो मैं इसके रिगार्डिंग पूरी बात बताने वाला हूं। तो चलते हैं टेलीग्राम पर, इसके नोट्स पड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आप वीजा रूल्स देखोगे इम्पैक्ट कैसे करते हैं इंडिया को। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो यूएस की एक डिपार्टमेंट है ICE, ये डिपार्टमेंट है एक यूएस का, तो यहाँ पर इसने करा गया है कि जो वीजा है उसको बैन कर दिया है, यानी कि अब लोग जो है वापस, मतलब जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं यूएस में, जो फॉरनर स्टूडेंट्स हैं, फॉरनर्स कोई भी हो सकते हैं, इंडिया, चाइना या फिर कहीं के भी, वो फॉरनर ही कहलाएंगे जो यूएस में वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो बात क्या है कि उनको जो भी यहाँ पे भावे पढ़ रहे हैं वापस भेजा जाएगा, या फिर डिपोर्ट भी करा जा सकता है, यानी वापस भेजा जाएगा, जबरदस्ती भी भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है COVID-19 के पैंडेमिक देखते हुए, यहाँ पर ये सिचुएशन देखते हुए क्या स्टेप उठाया गया है, जो भी आप मान लो यहाँ पर ये हमारा यूएस है और ये है हमारी कंट्री इंडिया, और यहाँ से जो है बच्चा गया पढ़ने के लिए, यहाँ पर जिसने भी एडमिशन लिया किसी कॉलेज में, मान लो यहाँ पर एडमिशन लिया और वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, यानी कि कॉलेज नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करता है, तो उसको जो है वो वापस भेजा जाएगा, ठीक है, उसको वापस भेजा जाएगा। और जो यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई करता है, डेली जो कॉलेज वगैरह अटेंड करता है, उसके लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर अटेंड कर सकता है, लेकिन जो वीज़ा है वो रूल है उसके लिए है, न्यू रूल, जो वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई करता है, ठीक है, ये याद रखना, ऑनलाइन जो पढ़ाई करता है। तो ये था हमारा इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट। नाउ आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको सड़ापट सारी चीज़ें समझ में आती हुई चली जाएंगी, देखो ये सारी चीज़ें यही है। तो अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल जो है हमारा, ये किस चीज़ के बारे में, बेसिकली रिलेशन बताया जाएगा, ये आपको GS3 में भी इससे रिलेट कर सकते हो इस आर्टिकल को, साथ ही साथ ये हमारा GS2 में भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो हमारा चाइना है, चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में जो है एंटर कर रहा है, चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में है, ठीक है, अपनी जो शिप्स वगैरह है, उसकी जो नेवीज वगैरह है वो है इंडो पैसिफिक रीजन। कौन सा है अब यहाँ पर, ये इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हो, इंडिया ये है, चाइना ये है, इंडो पैसिफिक रीजन हमारा ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर एंटर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग स्टेप्स क्या उठाए हैं, जो यहाँ पर क्या है, इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है पहले से ही यूएस के साथ, ये रिलेशन में था बायलेटरल रिलेशन में, फिर ये कन्वर्ट हुआ ट्राइलेटरल में, फिर ट्राइलेटरल से कन्वर्ट हुआ क्वाड्रिलेटरल में। ये कौन कौन से कंट्रीज वगैरह हैं इनके बारे में बात करते हैं, चलिए यहाँ पर टेलीग्राम पर नोट्स पड़े हुए हैं इसके बारे में, आपको आप डिटेल में समझ में आने वाला है, इसके बारे में एक बेहतरीन आंसर तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा एक बार में। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, जो हमारा मलाबार एक्सरसाइज है उसको बढ़ाने के लिए बात हो रही है, यानी जो नेवल जो है हमारी नेवीज वगैरह है उनको बढ़ाने की बात हो रही है, और ये बढ़ाएंगे कैसे, जो एक नई कंट्री ऐड हो रही है इसमें वो है हमारी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐड होगी तो हमारे वो क्वाड्रिलेटरल रिलेशंस हो जाएंगे, एक ट्राइलेटरल होता है, बायलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि जो हमारा बायलेटरल हुआ दो कंट्री के बीच में रिलेशन, ट्राइलेटरल तीन कंट्री के बीच में रिलेशन, क्वाड्रिलेटरल चार कंट्री के बीच में रिलेशन, है ना। तो
अब यहाँ पे इंडिया जो है क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ऐड होगा। और पहले इंडिया के ट्राइलेटरल किस किस से है? इंडिया, जापान और यूएसए के साथ। और इससे भी पहले यहाँ पे जब बाइलेटरल था वो किस किस के बीच में था? इंडिया और यूएसए के बीच में यहाँ पे ये एक्सरसाइज करी जाती थी। 1992 में इसको साइन करा गया था। बट इसके की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? ये क्वाड्रिलेटरल की तरफ इसलिए बढ़ रहा है ताकि जो वहाँ पर चाइना से सिचुएशन बनती हुई आ रही है, चाइना जो हमारा एक्सपेंड भी होता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग स्टेप्स उठा सके। हम लोग जो है अगर मिलकर रहेंगे तो ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ रहेगी, ज्यादा पावर रहेगी, तो ज्यादा अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ज्यादा अच्छी बन भी नहीं रही है इंडिया की चाइना से, है ना। काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे चाइना भी घुस रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी बातें हो रही हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं ये, ठीक है। बात क्या हो रही है कि जो यहाँ पर आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया का प्लान है कि ये नेवाल कोएलिशन का, ये नेवाल कोएलिशन जो बढ़ा रही है अपनी इंडिया, ये नेवाल कोएलिशन कौन सी हो गई कि यहाँ पर इंडिया ने पहले एग्रीमेंट करा यूएस से, फिर उसके बाद यहाँ पे जापान ऐड हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ऐड हो रहा है ना। तो ये जो अपना कोएलिशन बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर इससे जो है चाइना को ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना अलग ही स्ट्रेटेजी चलता है अपनी। तो आप देखोगे ये सिचुएशन कुछ आर्टिकल्स में क्या क्या, ये आर्टिकल में क्या क्या बताई जा रही है कि यहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐड हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चाइना है अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि चाइना ने पहले कह रखा है कि यहाँ पर हम लोग कोई अपना ऐसा काम नहीं करेंगे ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो इंडिया के बीच, इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कोई भी भिड़त वगैरह नहीं होगी इंडिया से, हमारी जो भी यहाँ पर रीजन में होंगे इलेक्टोरल रीजन में, वहाँ पर कोई भी हमारी इंडिया नेवल शिप्स से, इंडिया की जो शिप्स वगैरह होंगे उससे कोई भिड़त वगैरह, उससे कोई लड़ाई वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है अभी स्ट्रैटेजी अपना रहा है, लेकिन हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते, है ना, इन सब चीजों के ऊपर। लेकिन तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाइना है वो नहीं रुकने वाला, अपनी यही सब बातें रखेगा और वो नहीं रुकने वाला, ऐसे ही आता रहेगा। तो लेकिन सिचुएशन क्या है कि जो ये साइन करा है इंडिया ने, इंडिया ने साइन करा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यार यहाँ पर ये कहा जा रहा है आर्टिकल में, अगर इंडिया कुछ साइन कर रहा था, अगर उसके लिए कुछ अपना कॉस्ट इफेक्टिव करता या फिर जो उसको कुछ फायदा हो रहा होता या फिर वो टेक्नोलॉजी वगैरह ले लेता किसी से, यूएस से, जापान से, कि इनके पास तो है भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन इंडिया को ऐसे साइन नहीं करना चाहिए था, इंडिया को यहाँ पर जो है साइन इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। शुड नॉट साइन अप द क्वाड्रिलेटरल इंगेजमेंट, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। अगर कॉस्ट बेनिफिट मिल रहे होते, कॉम्पोजिट मिल रहा होता और इंडिया को फायदा हो रहा होता तो यहाँ पर ये करना चाहिए था। तो यहाँ पर दिस इज द आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट वन इज यहाँ पर ये वाला जो है, ये विकास दुबे से रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल है। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी सिचुएशन देखने को मिली विकास दुबे के रिगार्डिंग, केस के रिगार्डिंग, की बाकी काफी सारी जो है उटपटांग चीजें देखने को मिली कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे काफी सारी सिचुएशन इस तरीके से देखने को मिली कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि विकास दुबे जो है सरेंडर करना चाहता था, फिर भी वहां पे मार दिया गया। वो भागना, सरेंडर कर रहा था तो वो क्यों भागेगा? क्योंकि बेसिकली क्या कहा जा रहा था कि जो पिस्तौल निकाल कर पुलिस वाले की, वो भाग रहा था जब कार पलटी, तो ठीक है, तो किसी को पुलिस वाले ने गोली मार दी, गोली मार दी तो उसके जो शर्ट वगैरह है उस पर, क्लॉथ वगैरह पे कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं था। तो ये काफी सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट उठ के आ जाते हैं, काफी सारी चीजें जो है क्रिटिसाइज करने को आई। तो ये क्या सिचुएशन उठाती है कि जो दुबे की किलिंग हुई है, इसने काफी सारी चीजों को एक्सपोज होने से बचा लिया। यानी कि अगर एक्सपोज हो जाती, अगर दुबे को बचा लेते यहाँ पर, अगर उसके अगेंस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती तो काफी सारे लोग एक्सपोज होते हैं, काफी सारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सपोज होते हैं, बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस एक्सपोज होते हैं, क्योंकि ये 60 केसेस चल रहे थे इस पर ऑलरेडी। एक केस होने पे तो इंसान यहाँ पे बचता नहीं है, चक्कर काटता रहता है जिंदगी भर। इस पर 60 केसेस चल रहे थे, कोई बैकग्राउंड इसका स्ट्रांग होगा तभी तो यहाँ पर ये अभी तक ऐसा घूम रहा था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम कहें कि जो हमारा रूल है उसमें, जो रूल ऑफ लॉ है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको हमें और ज्यादा सही करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ये सारे लॉज हैं कि हम लोगों को जो है अगर हमने एनकाउंटर करा है, एनकाउंटर ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहा गया था जो भी एनकाउंटर होगा, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां पे कहा गया था कि जो एनकाउंटर है वो क्रिमिनल फिलोसफी है, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम है तो एनकाउंटर नहीं करा जाना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर अभी आप एक और चीज देखोगे, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एनएचआरसी, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। इसका बात क्या है बेसिकली, एनएचआरसी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन के राइट्स। ह्यूमन के राइट्स क्या है? राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, यानी जीने का हक है हर किसी को। तो ये सारी चीजें देनी चाहिए, तो एनकाउंटर करना यहां पर नहीं बनता था। तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें इस तरीके से चलने की, यहां पर हमारे पास लॉज हैं लेकिन लॉज को जो है इंप्लीमेंट नहीं करा जा रहा है, ठीक है। लॉ को इंप्लीमेंट करने की काफी ज्यादा सख्त जरूरत है और यहाँ पे लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारा ये है एंटी टॉर्चर लॉस है। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग डेली अपना एनालिसिस करते हैं जो डिटेल में, वहां पर डिटेल में सारी चीज समझाते हैं। टॉर्चर लॉ में क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु में केस देखने को मिला था जहां पे फादर और सन की डेथ हो गई थी, कस्टडी डेथ, यहाँ पे पुलिस वाले ने कस्टडी में लिया, उसी कस्टडी में इतना टॉर्चर करा कि डेथ हो गई। तो उसके टॉर्चर के रिगार्डिंग है कि यहाँ पर एंटी टॉर्चर लॉज हैं, ठीक है,
यहाँ पर, लेकिन तो वो उनको फॉलोअप क्यों नहीं करा जा रहा है। यहाँ पे इंडिया का आप जस्टिस सिस्टम समझ सकते हो कैसा सा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक है हमारी 22, 262 262 लॉ कमीशन रिपोर्ट है, ये बताती है जो भी अगर डेथ पेनल्टी होगी उसको अबॉलिश करा जाएगा, उसको नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म के ही केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी, अदरवाइज कोई भी केस होगा डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तब भी इस पुलिस वाले ने इतना ज्यादा टॉर्चर करा कि बेचारे वो बाप और बेटे दोनों मर गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास एक एक्ट ये भी है कि इंडिया ने साइन कर रखा है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यहाँ पे ये एक्ट है जिसको इंडिया ने साइन कर रखा है, लेकिन इंडिया से साइन करने के बाद इसको फॉलो अप इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है। अब यूएन कैट के बारे में जान लेते हैं, हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा। सारे नोट्स टेलीग्राम पर आप जाके बिंदास ज्वाइन करें, सब आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यहाँ पर ये वाला जो एक्ट है, सबसे बड़ी बात तो इसका काम क्या है, जो भी टॉर्चर होता है उसको प्रिवेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, किसी के अगेंस्ट टॉर्चर ना हो यहाँ पर। साथ ही साथ ये हमारा फोर्स में कब आया, वर्किंग में कब आई, बॉडी 1987 में ये वर्किंग में आई, और यहाँ पर इसका काम जैसा मैंने अभी बताया, जितनी भी यहाँ पर क्रुएल्टी, निर्दयता, ये सारी चीजें दिखाई जाती है, उन सबको प्रोटेक्ट करना, उन सबके अगेंस्ट काम करना, टॉर्चर को जो है प्रोटेक्ट करना, टॉर्चर को प्रिवेंट करके चलना कि किसी के अगेंस्ट टॉर्चर ना करा जाए। लेकिन यहाँ पर ये साइन करने के बाद भी इंडिया इसका पार्ट है, मेंबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, टॉर्चर फिर भी देखने को काफी हद तक देखने को मिलता है। अभी इसका रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम की, ये रूट कॉज ये है कि सबसे पहले हम लोगों को लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, हमारे पास लॉ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनको ट्रेन करने की जरूरत है, और जो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट करा जाता है उसको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा हम लोगों को साइंटिफिक स्किल्स है, तभी हम लोग इन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो गाइज हमने आज का न्यूज़पेपर कवर कर लिया है, और न्यूज़पेपर कवर करने के साथ साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा ऐसे ही डेली फास्ट एनालिसिस के लिए, तो आपको ऐसे ही फास्ट एनालिसिस मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।